दोस्तों बॉलीवुड की लाफ्टर क्वीन राखी सावंत अब लड़ेंगी चुनाव। साथ ही राखी ने दिया हेमा मालिनी को जवाब और पीएम मोदी को कहा थैंक यू। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल हेमा मालिनी की एक बयान की वजह से राखी सावंत चर्चा का हिस्सा बनी है। हेमा मालिनी ने अपने बयान में कहा था कि राखी सावंत मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। अब इसी बयान पर राखी सावंत ने हेमा मालिनी को कड़ा जवाब दिया है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हेमा मालिनी को राखी सावंत ने जवाब देते हुए कहा कि हेमा मालिनी जी और दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूं, मोदी जी की वह एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूं। थैंक यू मोदी जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकती हूं और इस बार मुझे आप चुनाव में खड़ा कर रहे हैं और हेमा जी ने भी ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं देश की सेवा के लिए पैदा हुई हूं और मैं देश की सेवा करना चाहती हूं। इसके आगे राखी सावंत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती। डेफिनेटली मैं बनूंगी, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अब साल 2024 में आप सब मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, किसके ऑपोजिट, ये अब एक सरप्राइज है। फिलहाल इस वक्त राखी सावंत का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से राखी सावंत एक बार फिर लाइमलाइट का हिस्सा बन गई है। वेल, राखी सावंत के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।